अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज की इस लेक्चर में मैं आपको कोर्स कंटेंट्स के बारे में बताऊंगी। केमिस्ट्री का टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा। यहाँ केमिस्ट्री को टू कोर्सेज में डिवाइड किया है, सेम लाइक थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ा था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था। यहाँ पर आपके जो कोर्सेज हैं उसमें आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से अप्लाइड केमिस्ट्री में से भी आपको टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसको फर्दर टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है एंड अदर वन इज़ द प्रैक्टिकल पोर्शन। अब थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसमें से आपको 35 मार्क्स का रिटन थ्योरेटिकल पेपर आएगा और जो पेपर सी है इसमें आपको 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। इसी तरह से अगर हम अप्लाइड केमिस्ट्री को देखें तो अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आपको टोटल 50 मार्क्स का पेपर आता है और अप्लाइड केमिस्ट्री को भी फर्दर टू पोर्शंस में सब डिवाइड किया गया है। पेपर भी आपका अप्लाइड केमिस्ट्री रिटन यानी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, ये टोटल आपको 35 मार्क्स का आएगा। पेपर डी जो है ये आपके पास अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पोर्शन होगा और ये 15 मार्क्स का आपको आएगा। यहाँ तक हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपने केमिस्ट्री के कोर्सेज को देखा कि हर पेपर आपके पास 50-50 मार्क्स का होगा और इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन की क्या है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम पेपर ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। पेपर ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से टोटल आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्दर टू सेक्शंस में सब डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 2 में से भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। मींस हर सेक्शन में से आपको एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करना होंगे। अब सेक्शन 1 में अगर हम चैप्टर्स पे आ जाएँ तो सेक्शन 1 में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम इसमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, इंडक्टिव इफेक्ट को, मीसोमेरिक इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन को, स्टेरिक इफेक्ट को, इसके साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इंप्लीमेंट होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की फर्दर एप्लीकेशंस को देखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे इसमें। थर्ड चैप्टर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर टू क्लासेस में सब क्लासीफाई किया गया है। इसमें एक हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं और एक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं। एलिफैटिक को अगर हम देखें तो एलिफैटिक में फर्दर हमारे पास एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। एलिसाइक्लिक में हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में से हम अल्केन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अनसैचुरेटेड में हम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स को डिटेल में करेंगे। तो ये हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में। इसके साथ साथ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसमें साइक्लोअल्केन चैप्टर जो है वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर इस सेक्शन का अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में हम अल्काइल हैलाइड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट को देखेंगे। ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसके फर्दर रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ तक आपका ये फोर्थ चैप्टर सेक्शन 1 कम्प्लीट होता है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और आपने इनमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। तो सेक्शन 2 में भी सेम आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी। इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। अगर हम चैप्टर्स को देखें तो इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड ईथर, कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और इसके साथ साथ हम ईथर कंपाउंड्स हैं उनको देखेंगे। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो इसमें बेसिकली जो क्लास आती है वो अल्कोहल्स हैं, इसके साथ साथ फिनोल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम अल्कोहल्स को, फिनोल्स को और ईथर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन से आ जाते हैं, इसमें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड्स को डिस्कस करेंगे एंड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव,
बेसिकली ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जैसे एस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं, तो ये इसमें डिटेल डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कम्प्लीट होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री पे आ जाएं तो अप्लाइड केमिस्ट्री को भी सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही सेक्शन वन और सेक्शन टू में डिवाइड किया गया है। यहाँ भी आपको सेक्शन वन में से 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सेम इसी तरह आपका सेक्शन टू में से भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब सेक्शन वन में यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं? यहाँ पे सेक्शन वन में फर्स्ट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक न्यू एडवांसमेंट है जो आपने FSC तक नहीं पढ़ी हुई, ये BSC में ही आके इंक्लूड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर। सेकंड इसमें आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप FSC में भी पहले पढ़ के आए हैं, ये उसी चैप्टर की आगे डिटेल डिस्कशन है। थर्ड चैप्टर इसमें आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। और लास्ट चैप्टर इसमें आता है एवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा। बेसिकली एवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें हम मीन, मीडियन, मोड इनको डिस्कस करेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स हमारे सेक्शन 1 में से इंक्लूड हैं जिनमें से हमें टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 2 में बेसिकली 2 मेन चैप्टर्स हैं, फर्दर इनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसमें है केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज जो है इस चैप्टर में टोटल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 6 इंडस्ट्रीज दी गई हैं जिनको हम फर्दर वन बाय वन देखेंगे। इसमें शुगर आ जाती है, ग्लास आ जाती है, सीमेंट है, सोप इंडस्ट्री है और इसके अलावा 3 मेटलर्जीज हैं। तो ये चैप्टर डिटेल से करना होगा। सेकंड जो चैप्टर है उसको हम उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन 1 में से भी आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे, सेक्शन 2 में भी आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। हाफ हाफ चॉइस है आपको। अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक हमारे कोर्स आउटलाइन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन की कोर्स कंटेंट्स के बारे में बताया, प्रैक्टिकल पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। बुक्स पे कि आपको इसमें कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से बेस्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम यूनस है। एम यूनस की बुक BSc लेवल तक बहुत यही कंसिडर की जाती है, बहुत अच्छी समझी जाती है। ये आप परचेज कर सकते हैं, इससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गुलाम रसूल चौधरी, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड इसमें आती है कारवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय इब्ने रसा एंड अब्दुलरहमान, ये बुक भी बहुत बेस्ट है। और फोर्थ जो बुक है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन वेली एंड सन्स, ये एक फॉरन बुक है, फॉरन ऑथर्स की बुक है। तो पहली तीनों जो हैं ये पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स हैं, पहली तीनों आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ये फोर्थ बुक जो है ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, लेकिन ये आपको वैसे मार्केट से मुश्किल से मिलेगी। तो इन तीनों बुक्स में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको आपके पास एक से ज़्यादा, मतलब 2 बुक्स होनी चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जस्ट आप एक ही बुक को परचेज करेंगे जिसको स्नाउला टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो यहाँ तक हमने आज के इस लेक्चर में अपने सिलेबस को डिस्कस किया है, हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज को हम देखेंगे। इसमें हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर हमने उनमें देखा कि अप्लाइड केमिस्ट्री में हम किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन कौन से चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हमने बुक्स के बारे में देखा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स को लेना होगा और अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी बुक रिक्वायर होंगी। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपना सेकेंड लेक्चर में केमिकल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करेंगे और हम फर्दर उसकी डिटेल जो है करेंगे। यहाँ तक आपका ये कोर्स आउटलाइन और बुक्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो है लेक्चर कंप्लीट होता है।